इस बिल्ली ने नाक में दम करके रखा है। मछली को मैंने क्लीन करके रख लिया है। ऐड कर रही हूँ मैं हल्दी और नमक, कर लेना है। इधर खुशबू अपना मेहंदी का काम करिए क्योंकि इसको काम पे जाना है। तो अभी हम लोग उसके पहले टेलर के पास जाएंगे। हरी मिर्च, लहसुन, जीरा और मस्टर्ड, इसका मैं पेस्ट बना लूंगी। प्याज भी लिया है, इसका भी मैं पेस्ट बना लूंगी। क्या है 5 फोरन, और उसी में मैं पोटैटो को ऐड कर दूंगी क्योंकि बच्चे हैं, तो पोटैटो अगर किसी भी चीज़ में ऐड कर दो ना तो उनको खाने में मतलब आसानी होती है। एंड हर एक बच्चे को आलू तो पसंद होता ही है। उसके बाद इसमें ऐड करा है अनियन जो मैंने ग्राइंड करके रखा था, और सारे मसाले जो मैंने आपको पहले मेंशन करे। इसको अच्छे से भूनना एटलीस्ट 15 मिनट तक। रिकॉर्ड करना भूल गई, लास्ट में मैंने टमाटो और थोड़ा सा नमक ऐड करके उसके बाद पानी ऐड कर दिया है और 2 हरी मिर्च को ऐड करा है। तो ये ग्रेवी जो है उबल चुकी है, अब इसमें मैं फिश को ऐड करूंगी। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सारे फ्रेंड बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त हंसते मुस्कुराते हुए होंगे। सो आज सुबह से मैंने खाना वाना बनाया, मछली बनाया, नाश्ता बनाया, सब कुछ कर वर के मैं टेलर के पास गई। सोचा था टेलर के पास जाऊँगी तो शूट करूँगी, बट फ़ोन घर पर ही भूल गई थी। टेलर के पास से आके खाना खा के मुझे इतनी जोरों की नींद आई। अब देखो मैं अभी सो के उठ के मतलब सो के उठी हूँ, बर्तन बस साफ किए हैं, एंड कल से ना मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। जो फीट होती है ना, ऐसा लग रहा है कि उसमें जान ही नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और ये देखो अभी पूरा घर भी फैला हुआ है, तो इसको भी समेटना है। आज हम लोगों को रिसेप्शन में जाना है। अगर आप लोगों ने शादी ब्लॉग देखा होगा तो जिनके यहाँ पे हम गए थे ना, मतलब शादी में जिस लड़का लड़की की शादी थी, तो उनकी आज रिसेप्शन है। तो आज तो लड़के वालों की तरफ से जाना है, बट हाँ आज पवन की भी तबीयत ठीक नहीं है। देखो वो कितने बजे आते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते, कोई कन्फर्म नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे जाने का क्योंकि गिफ्ट वगैरह ऑलरेडी हम लोगों ने लेके रख दिया है। और मेरी भी तबीयत आज ठीक नहीं लग रही है। इसका रिजल्ट आया है, पूछिए किस कैसा किया है अरू ने। अरू कितना परसेंटेज आया है? 81.3 आया है। सो शादी में कहीं भी जाने के पहले अगर घर को थोड़ा अरेंज करके जाया जाना तो आने के बाद काम बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं। फाइनली मेरा जो पंडित जी से मुहूर्त निकल चुका है कि मैं अपने नेल पेंट को रिमूव करूं। तो ये देखो कितने दिनों से इस तरह की चापी नेल्स है मेरे। इतने से काम के लिए मैं कब से सोच रही थी। जुगाड़ू मेरा बॉटल जो है वो लीक हो गया था, तो इस तरह से गुलाब जल के डब्बे में मैंने इसको स्टोर करके रख दिया। बहुत ही इफेक्टिव आप लोगों के साथ फेस पैक शेयर कर रही हूँ। पोटैटो ले लेना है, उसको क्रश करके हाथों से निचोड़ के उसका जूस निकाल लेना है, क्योंकि पोटैटो जो है क्लियर स्किन या फिर ग्लास स्किन अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हनी यहाँ पे ले रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है, तो मुझे फेस पैक में कुछ भी एक नरिशमेंट चाहिए होता है। मुल्तानी मिट्टी को ऐड करा, और इसका मैजिकल इंग्रेडिएंट है टोमेटो जो ब्लीच का काम करता है। अब इसको 5 से 7 मिनट तक हम फेस के ऊपर लगे रहने देंगे। और यार देखो कितने दिनों के बाद मैंने रेड कलर की नेल पेंट लगाई। मैं पता नहीं क्यों मैं रेड नेल पेंट बहुत कम लगाती हूँ, बट आई गेस कि ये पैरों के ऊपर अच्छी लग रही है। आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। मुझे तो पता नहीं आज बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। जनरली मुझे रेड नेल पेंट जो है ना उतना अच्छा नहीं लगता है। मैंने जो है ग्लास फेस पैक लगाया है फॉर इंस्टेंट पार्टी ग्लो। ये जो फेस पैक है ना, मैं जब आई थिंक मैं 20 ईयर्स की थी तब से ट्राई कर रही हूँ, एंड ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है। नॉट फॉर मी, मतलब हर किसी के लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा। बहुत ही अच्छा ग्लो आता है, एंड पार्टी से आने के बाद और पार्टी के जाने के पहले मैं ट्राई करती हूँ कि यही फेस पैक लगाऊँ। पार्टी से आने के बाद इसलिए क्योंकि जब हम मेकअप लगाते हैं ना, तो पोर्स के अंदर वो मेकअप जाता है। ये कितना भी हम ये कर लेना दावा कर ले कि नेचुरल मेकअप है, लेकिन
मेकअप में कुछ ना कुछ तो केमिकल रहता ही है, तो अच्छे से फेस को क्लीन करने के बाद अगर ये फेस पैक लगा लोगे आप तो स्किन जो है बहुत अच्छी हेल्दी ग्लोई रहेगी। एवरीबॉडी इज बिजी रेडी होने में, अपने घर की शादी में क्या होगा, दूसरे के घर की शादी में ये तबाही, तो खुशबू की शादी में क्या होगा, रेडी भी हो पाएंगे कि नहीं, दुनिया जनता जानना चाहती है। एंड दिस इज माई लुक। सो मैंने अभी इयरिंग नहीं पहना है क्योंकि मुझे हेलमेट पहनना है, तो वो बड़े बड़े चांद बालीस बहुत ज़्यादा चुभेंगे, तो मैं वहाँ पे उतर के फिर पहन लूँगी। सो चलो चलते हैं, एंड फुल लुक आपको बाद में देखने को मिलेगा। अब मुझे सिर्फ क्लच लेना है, चलो क्लच लेते हैं। एंड मेरे हस्बैंड जी ने आज ब्लेजर पहना है। सो मैं क्लच लेती हूँ, अपना DIY क्लच। सोचा था अपना DIY क्लच लूंगी, लेकिन ये मेरे आउटफिट के साथ ज्यादा मैच कर रहा है क्योंकि गोल्डन एक लग्जूरियस वाइब मिल रहा है, तो इसको मैं कैरी करूंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप जब बाहर जाते हो तो जूते चप्पल आप पहनाते हो अपने बच्चे को या फिर आपके हस्बैंड मैनेज करते हैं। मैं तो कभी भी इन सारी चीज़ों को मैनेज नहीं करती हूँ, लाइक जूते पहनाना या कुछ भी, ये सारी चीज़ें बहुत स्टार्टिंग से पवन ही करते आ रहे हैं, तो उनकी एक मेरी हैबिट ही नहीं बनी यार इस चीज़ की, तो थैंक यू इसके लिए। ये छोटे छोटे चीज़ें भी है, छोटे छोटे जेस्चर भी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज कर देती है। एंड ये है हमारा ग्रैंड कोलकाता, तो आप में से कोई भी व्यूअर कभी कोलकाता आपने घूमा है कि नहीं, कभी आए हो कि नहीं, विजिट किया है कि नहीं, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो रिसेप्शन के दिन मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम दोनों में से किसी की भी तबीयत उतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो हम बहुत लेट से पहुँचे थे एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, तो हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं शूट कर पाए। एंड यहाँ की वाइब्स बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पी वाली वाइब्स थी, यहाँ पे सब कोई डांस कर रहे थे, बट मैं आपको वो जो गाना है ना वो नहीं सुना सकी, यूपी वाले ठुमके पे जिया ले जाए, तो ये गाना यहाँ पे चल रहा था। तो शादी का एक अपना ही माहौल है यार, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे घर में भी बहुत जल्दी शादी है, एंड घर की शादी है तो उसका तो मज़ा ही अलग होगा, रज के बस के मैं ब्लॉग करूँगी। बट ये भी वेडिंग सच में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, एंड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक छोटी सी बच्ची है ना, इसको क्या ही समझ में आ रहा था, बट ये एक रोज़ लेके इतना ज़्यादा जंप कर रही थी कि कितनी ज़्यादा ये खुश है। तो यही होता है, बच्चे बूढ़े हर कोई शादी के रंग में रंग जाते हैं, और ये दूल्हे के बड़े भाई, ये देखो क्या मस्ती से डांस कर रहे हैं कि मतलब दुनिया जहान सब कुछ भूल के बस अपनी ही मस्ती में ये डांस किए जा रहे हैं। तो अगर आपको ये ब्लॉग, शादी ब्लॉग नहीं देखा तो ऐड स्क्रीन में लगा दूंगी, तो प्लीज़ रिसेप्शन वाला ब्लॉग और शादी वाले ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। एंड कहना पड़ेगा आज मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं, तो ये जल्दी से कैमरा को फेस नहीं करना चाहते हैं, तो इनके लिए एक लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर करें। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ जब भी हम लोगों को मौका मिलता है ना आपस में शूट करने का, तो आंटी बोली थी मैं हटा देती हूँ आप दोनों आपस में शूट कर लो, मैंने बोला नहीं, न्यू ब्राइड है तो उनका बनता है यहाँ पे रहना। तो बस मतलब घर के पास में रहते रहते ना हम लोग नेबर जैसा हम लोगों का रिलेशन रहा ही नहीं है, वी आर लाइक फैमिली, कि कुछ भी होता है तो हम लोग आपस में बात करके अपना मन हल्का कर लेते हैं। एंड ललिता सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहती है कि मेरी फुटेजेस लो, मुझे आना है, मुझे याद रहेगी ये सारी चीज़ें आपके चैनल के थ्रू, तो थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। हेलो मैडम। हेलो, इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं बताइए। इतना दिन बाद भाई का शादी होती है, इंजॉय तो करेंगे ना। आप वीडियो बनाइए। क्या बनाया बताएं। आप लेने आए नहीं थे, बताइए। बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है ब्लैक टी शर्ट में, एंड उसमें वॉच भी पहना है, स्मार्ट वॉच। हाँ वीडियो ना।
तो उन्होंने ना पोस्ट भी सोच के रखा था कि मैं आइसक्रीम को वीडियो में शो करूंगी, तो ये है इनोसेंस। इस बिल्ली ने नाक में दम करके रखा है। आए मजाक कर रही है, देखो देखने में कितना मासूम लग रही है, घर घर घुस के पॉटी सुसु करते रहती। सो वी आर बैक होम, बहुत कुछ सूट नहीं कर पाई, वहाँ बहुत ज़्यादा रश था। एंड इस आउटफिट की डिटेल अगर किसी को चाहिए, ये मैंने परिणीति चोपड़ा ने जो अपने इंगेजमेंट पहना था ना उसको रिक्रिएट करा था, तो अगर इंटरेस्टेड हो तो मैं ऐड स्क्रीन लगा दूँगी, आप चेक कर सकते हो। बट ये आउटफिट बना बहुत सुंदर था, बहुत सिमिलर था, बहुत लोगों ने मुझे कॉमेंट भी करा था यूट्यूब पर कि आपने जो ये क्रिएट किया है ना, मतलब जितने भी क्रिएटर ने क्रिएट किया है मैंने तो देखा नहीं यार, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा सिमिलर बना है। तो मैंने काफ़ी मेहनत की थी इसके ऊपर, आप चाहो तो चेक करके एक पिंच कलर का हार्ट मुझे हार्ट कर सकते हो। एंड आई मेरा देखिए बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है, इज़ लुकिंग सो स्मार्ट, बंदर लग रहा है, ये हमेशा अपने आप को अंडरएस्टिमेट करता है।